पहली खबर श्रीलंका से जुड़ी हुई। ईस्टर संडे पर श्रीलंका में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के पीछे दुनिया के खूंखार आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट का हाथ था। मंगलवार को आतंकी संगठन ने अपनी इमाक न्यूज एजेंसी के जरिए हमलों की जिम्मेदारी ली। इस बीच में रविवार को सेंट सेबेस्टियन चर्च में घुसते हुए एक संदिग्ध आत्मघाती हमलावर का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। संदिग्ध एक बैकपैक के लिए हुआ था। इससे पहले ही श्रीलंका सरकार की ओर से बताया गया था कि शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि चर्च और होटलों में हुए धमाके न्यूजीलैंड के एक क्राइस्टचर्च चर्च में हमले के जवाब में किए गए थे। रविवार को हुए 8 धमाकों में मरने वालों की संख्या बढ़कर के 310 हो गई है। रक्षा राज्य मंत्री रुवान विजयवर्धने ने संसद में बताया कि संसदीय जांच में यह खुलासा हुआ कि ये धमाके चर्च में मुस्लिमों पर हुए हमले का बदला लेने के लिए किए गए थे। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 13 राज्य और 2 केंद्रशासित प्रदेशों के 116 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हुई। हालांकि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में छिटपुट हिंसा की खबरें हैं। उधर यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने ईवीएम में छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। इस दौरान पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा में एक वोटर की मौत हो गई। वहीं फिल्म अभिनेता सनी देओल की ही राजनीति में एंट्री हो चुकी है।